हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संध्या। संध्या कुकिंग क्लासेस में स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे 10 मिनट में सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाली नाश्ता है फ्रेंड्स। देखो कित बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है, जल्दी बनता है फ्रेंड्स। चलिए बनाते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स मैंने ले लिया फ्रेंड्स, देखिए कोकोनट। पहला आइटम क्या है? कोकोनट है फ्रेंड्स। मैंने ग्रेट करके रखा है कोकोनट। उसमें 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं फ्रेंड्स। कोकोनट में 2 पार्ट, कोकोनट तोड़ने के बाद 2 पार्ट बनते हैं पार्ट। उसमें आधा पार्ट ले लिया फ्रेंड्स मैंने, एक आधा पार्ट कोकोनट ले लिया। उसके अंदर 2 चम्मच चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया फ्रेंड्स। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद हो तो 3 चम्मच डाल दीजिए फ्रेंड्स, उसके ज़्यादा मत डालिए फ्रेंड्स। ज़्यादा डालने से बहुत मीठा बन जाएगा तो खाने की मन नहीं करेगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने एक साइड में कढ़ाई रख दी। कढ़ाई में 2 ग्लास पानी डालेंगे फ्रेंड्स साइड में, वो गर्म होते जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 2 ग्लास पानी डाल के मैंने साइड में गर्म हो जाएगा, गैस में चढ़ा दिया फ्रेंड्स। उसके बाद हम ये रेडी करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद मैं पहला आइटम है कोकोनट, उसके बाद शुगर, अब तीसरा आइटम है फ्रेंड्स आटा। मैं आटा को मैंने रोटी के कैसे बूनते हैं वैसे गून लिया फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए फ्रेंड्स। बॉल्स बनाने के बाद इसके अंदर हमें कोकोनट को स्टफिंग करेंगे फ्रेंड्स। देखिए इसको, इस आटे के अंदर हमें जैसे पराठा बनाते हैं ना फ्रेंड्स, वैसे स्टफिंग, सेम टू सेम स्टफिंग। सिर्फ इन 3 चीज़ों से हमें नाश्ता बनता है फ्रेंड्स। कोकोनट, चीनी और आटा, तीनों से बनते हैं फ्रेंड्स नाश्ता, बहुत टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। देखिए अब मैंने ऐसे छोटी छोटी बॉल बना ली। उसके बाद जैसे पराठे के लिए स्टफिंग के लिए हम करते हैं ना फ्रेंड्स, वैसे ऐसे कर दिए, थोड़ा बड़ा बड़ा करके साइड में एडजस्टमेंट सॉफ्ट कर दिए, बीच में ऐसे होल जैसे बना ले। देखिए फ्रेंड्स ऐसे, अब 1 चम्मच कोकोनट वैसे स्टफिंग कर दिया। देखा अंदर स्टफ कर दिए, जैसे पराठा में स्टफिंग करते हैं, जैसे आलू पराठा वैसे में स्टफिंग करते हैं ना, सेम टू सेम वैसे स्टफिंग करना है फ्रेंड्स। लेकिन यह है, इसमें बेलना नहीं है फ्रेंड्स। देखिए ऐसे स्टफिंग करके बस एक गोल राउंड बॉल की तरह बना लिया है फ्रेंड्स। राउंड बॉल की तरह बनाने के बाद देखिए ऐसे करके रखना है फ्रेंड्स। देखिए दूसरे में वैसे बना रहे हैं, सेम ऐसे बना के 1 चम्मच कोकोनट स्टफिंग रख दीजिए फ्रेंड्स। देखिए 1 चम्मच रखने के बाद जैसे आलू पराठे का, जैसे पराठा के लिए स्टफिंग करते हैं, सेम टू सेम वैसे प्रोसेस में बना लीजिए फ्रेंड्स। देखिए उसको सिर्फ बेलना नहीं है, बस ऐसे गोल गोल बनाना, जैसे सारे वैसे रेडी कर दिए फ्रेंड्स मैंने। देखे दूसरे और भी बना रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स स्टेप प्रोसेस ऐसे बनाने के बाद, देखिए ऐसे बना लीजिए। बनाने के बाद हम सारे रेडी हो गए फ्रेंड्स। देखिए ऐसे गोल गोल अच्छे से, बाहर स्टफिंग बाहर नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए अच्छे से स्टफ कर दीजिए, बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो पट जाएगा फ्रेंड्स बनाते समय। देखिए फ्रेंड्स ऐसे प्रेस कर दीजिए, राउंड वाले थोड़े प्रेस करके देखिए एकदम ऐसे कर दीजिए। बस ऐसे होने के बाद हमारे सारे रेडी हो गए फ्रेंड्स। देखिए सारे रेडी होने के बाद मैंने सब रेडी कर दिया, ऐसे सारे रेडी कर दिए। देखिए फ्रेंड्स सारे रेडी कर दिए मैंने। एक आधा कोकोनट से 10 बनाया फ्रेंड्स। देखिए अब इस कढ़ाई में पानी गर्म हो गया फ्रेंड्स। देखिए इसमें पानी ज़्यादा गर्म होना चाहिए। उसके बाद इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल दिया फ्रेंड्स, 2 चम्मच चीनी डाल दिया फ्रेंड्स। देखिए 2 चम्मच चीनी डालने के बाद ये चीनी शुगर मेल्ट होने दीजिए, पानी अच्छे से बॉयल होने दीजिए। बॉयल होने के बाद इसमें एक एक को इसमें डाल देंगे। देखो फ्रेंड्स पानी बॉयल आना शुरू हो गया, अब इसमें एक एक को डाल देंगे फ्रेंड्स। देखिए अच्छे से एक एक को डाल दीजिए, इसको उबालना है फ्रेंड्स। देखिए 10 मिनट के लिए पकाना है इसमें, बस और कुछ नहीं सर। हाँ 10 मिनट में पक जाएगा, हमारा नाश्ता रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए ऐसे पकाना है फ्रेंड्स। देखिए इसमें ना पानी बहुत गर्म होना चाहिए फ्रेंड्स, अच्छे से उबालना चाहिए, नहीं तो पानी ठंडा पानी में ही डाल दिया तो वो चिपक जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए ये बात को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसको पानी अच्छे से बॉईल आने के बाद ही ये डालना है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ कोकोनट है फ्रेंड्स उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद देखिए अच्छे से थोड़ा मिक्स कर दीजिए, चम्मच से थोड़ा सा ये मिक्स कर दीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा के 10 मिनट पकने दीजिए, धीम स्लो में, मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए। बीच बीच में थोड़ा सा ढक्कन खोल के 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल के उसको सारे पलट दीजिए। देखिए फ्रेंड्स मैंने 5 मिनट हो गया, उसको सारे ऐसे पलट दीजिए। देखिए फ्रेंड्स ऐसे पलट दीजिए, सबको पलट करके एक बार और अच्छे से मिक्स करके फिर ढक्कन लगा के पकने दीजिए फ्रेंड्स। देखिए 10 मिनट और 5 मिनट पकने दीजिए। देखिए फ्रेंड्स हमारा पानी का कलर भी चेंज हो गया, थोड़ा सा येलोनिश आ जाता है, साइज़ भी बड़े होने लग जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा, देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट हो गया, हमारा रेडी हो गया फ्रेंड्स। देखिए कैसे कितना सुंदर लग रहे हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। ज़्यादा नहीं पकाना फ्रेंड्स, नहीं तो हार्ड हो जाएगा। 10 मिनट ठीक है फ्रेंड्स, 10 मिनट में बन जाएगा, हमारा आइडिया भी हो जाएगा फ्रेंड्स। देखो पानी पूरा येलो रेडी हो गया फ्रेंड्स, हम मैंने सर्व कर दिया। आप भी ट्राई करके मुझे कमेंट करके बता दीजिए फ्रेंड्स, आपकी रेसिपी कैसे बनाए, आपकी खाने में कैसे लगे, आपकी टेस्ट।